क्लासेस विशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज जी. टूडे आई विल डिस्कस क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन. इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस द वेलासिटी एंड वेरिएशन ऑफ द वेलासिटी, पॉजिटिव वेलासिटी, नेगेटिव वेलासिटी एंड जीरो वेलासिटी. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस वेलासिटी इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. They are the taken the unit of the CGS system, meter per second, SI system of the units, and kilometer per hour is the practical life when distance and time involved are large. तो अब यहाँ पर हम वेलासिटी की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि क्लास में कि वेलासिटी के भी हम यहाँ पर तीन फेज को सॉल्व करेंगे. हम लोग वेलासिटी के थ्री कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे. पहला हमारा क्या है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलासिटी. दूसरा हमारा है वेरिएबल वेलासिटी. और तीसरा हमारा क्या है, एवरेज वेलासिटी. एवरेज वेलासिटी. तो यहाँ पर भी वेलासिटी के थ्री कॉन्टेंट्स आ गए, यूनिफॉर्म, वेरिएबल एंड वेरिएबल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं. तो वेरिएबल एंड एवरेज वेलासिटी. तो यूनिफॉर्म वेलासिटी में क्या होता है, तो जैसे हमने स्पीड की बात किया था, तो स्पीड हमने बताया था कि वेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. तो चूंकि वहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब यही कॉन्टेंट हमारा डायरेक्शन के साथ डिफाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलासिटी हो जाएगा. तो यूनिफॉर्म वेलासिटी का अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलासिटी. तो यूनिफॉर्म वेलासिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि ए बॉडी इज सेड टू बी द मूविंग विच यूनिफॉर्म वेलासिटी इफ इट इज ट्रेवल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो अब कॉन्सेप्ट यही होता है कि दैट मीन्स वेन ए बॉडी मूव इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए सर्टेन डायरेक्शन. जैसे मान लो अब हम ऐसे चल रहे हैं तो हम एक दिशा में चल रहे हैं. तो अगर हम दिशा में चल रहे हैं और मान लो कि हम दिशा में चल रहे हैं तो हमारा मान लो कि लेंथ जो पार्ट है वो छोटे छोटे पार्ट में क्या है, डिवाइड कर दिया गया. अब हो गया कि हम एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मान लो कि हमारा टाइम टी सेकेंड यहाँ भी लग रहा है, टाइम टी सेकेंड यहाँ भी लग रहा है, टाइम टी सेकेंड यहाँ भी लग रहा है. द पार्ट ऑफ डिस्टेंस, पहला पार्ट का डिस्टेंस भी यस है, दूसरे पार्ट का भी डिस्टेंस क्या है यस है, तीसरे पार्ट का भी डिस्टेंस क्या है. तो इक्वल पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ जर्नी बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलासिटी. तो जब कोई ऑब्जेक्ट जब एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करता हो और जब एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ इक्वल पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ जर्नी बी कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस बॉडी मूविंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलासिटी. तो उस केज में हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलासिटी बोलेंगे. अब यूनिफॉर्म वेलासिटी दिया है कि नो इफर्ट आर फोर्स इज द रिक्वायर्ड टू द मूव द बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलासिटी. तो अब ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म, जैसे हम अगर वेलासिटी की बात करें तो वेलासिटी भी चेंज विद द इफर्ट ऑफ द फोर्स. तो यहाँ पर हम किसी वेरिएबल फोर्स या किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स की बात नहीं करेंगे. दूसरा हमारा केज है इसमें क्या, वेरिएबल आर नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल आर नॉन यूनिफॉर्म. वेरिएबल आर नॉन यूनिफॉर्म वेलासिटी. ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है. तो अब वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म का भी कॉन्सेप्ट अगर हम वेरिएबल स्पीड से निकालें, तो इसमें हमने बताया था कि इसमें जैसे पहले पार्ट में पार्ट ऑफ लेंथ इक्वल था, टाइम कवरिंग भी क्या था, इक्वल था. यहाँ पे हम किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे, चेंज करेंगे. अगर पार्ट ऑफ लेंथ हम अनइक्वल बोलेंगे तो टाइम इक्वल बोलेंगे, अगर लेंथ ऑफ पार्ट को अनइक्वल बोलेंगे तो टाइम को इक्वल बोलेंगे, और लेंथ ऑफ पार्ट को अगर हम अनइक्वल बोलेंगे तो टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे. तो इसमें से हम किसी एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, या तो पार्ट ऑफ लेंथ को चेंज करें या टाइम टेकन बाय पार्ट को चेंज करें.
तो इसमें होता है कि बॉडी इज द स्टेट टू बी द मूविंग विथ वेरिएबल वेलासिटी इफ इट्स स्पीड इज इट्स डायरेक्शन आर बोथ चेंज विथ टाइम। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को वेरिएबल वेलासिटी बोलेंगे कि जिसमें जो मूविंग बॉडी है उस मूविंग बॉडी का स्पीड और डायरेक्शन, या तो इसका स्पीड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो, आर बोथ, या ये दोनों चेंज हो, कौन सा, स्पीड डायरेक्शन, अगर इसमें से एनी वन कोई एक चेंज हो रहा है तभी वह वेरिएबल है, या यह दोनों चेंज हो रहे हैं तभी क्या यह वेरिएबल है। तो स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी बी चेंज देन दे आर द नोन एज द वेरिएबल वेलासिटी आर नॉन यूनिफॉर्म वेलासिटी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेन ए मूविंग बॉडी आर कवर इक्वल डिस्टेंस इन अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल आर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आर ए बॉडी कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बाद हम लोग का टर्म आता है एवरेज वेलासिटी का। तो एवरेज वेलासिटी का फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि एवरेज वेलासिटी निकालने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो टर्म्स में उसको ऐड करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलासिटी निकालने के लिए हम उसके इनिशियल और फाइनल, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट हम चेंज कर रहे हैं, सिंबल पला रहे हैं, तो सिंबल पे हमारा आ गया क्या। तो अगर हम एवरेज वेलासिटी की बात करेंगे तो हो जाएगा एवरेज एवरेज वेलासिटी। तो एवरेज वेलासिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि भी बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा यू प्लस भी बाई टू। अब यू इज द सिंबल ऑफ इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलासिटी एंड वी इज द सिंबल ऑफ फाइनल स्पीड और फाइनल वेलासिटी। तो अब हो गया कि एवरेज वेलासिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एवरेज वेलासिटी व्हेन ए बॉडी मूव विथ ए वेरिएबल वेलासिटी, वेरिएबल मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेलासिटी, द एवरेज वेलासिटी ऑफ द बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई इट टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलासिटी अगर निकालना है तो हमारे साथ ये भी फॉर्मूला आ सकता है कि एवरेज वेलासिटी इक्वल टू जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम एवरेज वेलासिटी की बात करें तो हम दो डिफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यानी रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज कॉल एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज वेलासिटी। और वी आर नो दैट टू वेरिएबल स्पीड, अगर हम दो वेरिएबल स्पीड की बात करें तो पहला वेरिएबल जो होगा वह यू होगा, दूसरा जो वेरिएबल होगा वह वी होगा। तो यू क्या है, यू इज द सिंबल ऑफ इनिशियल वेलासिटी एंड वी इज द सिंबल ऑफ फाइनल वेलासिटी। तो सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल डिवाइडेड बाई टू, एज लाइक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी दो नंबर का एवरेज निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ बोथ डिवाइडेड बाई टू, थ्री नंबर का सम निकालना है तो सम ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइडेड बाई थ्री। तो उसी तरह से इसमें हम चूंकि दो ही वेरिएबल ले रहे हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल को ऐड करके जब हम टू से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलासिटी डिफाइन हो जाएगा। अब इसके में आए, जैसे मान लो ये डिस्टेंस भी कवर बाई ए मूविंग बॉडी विथ डिफरेंट वेरिएबल स्पीड। अब मान लो कि जैसे हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि ये डिस्टेंस कवर बाई ए मूविंग बॉडी डिफरेंट वेरिएबल स्पीड इक्वल टू मान लो 20 मीटर पर सेकेंड एंड वी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। यानी मान लो एक जर्नी हम कर रहे हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट जाने के लिए, हम जाते हैं इस स्पीड से और आते हैं इस स्पीड से, तो यू का कॉन्सेप्ट हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और वी का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे केज में इसका एवरेज वेलासिटी के फार्मूला क्या हो जाएगा, यू प्लस वी बाई टू एंड दैट मीन्स 20 प्लस 30 बाई टू इक्वल टू 50 बाई टू हो गया, तो हो गया हमारा कितना 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया अगर हम इस स्पीड से जाते तो दैट मीन्स टाइम टेकन टू इन अपवर्ड बी इक्वल टू टाइम टेकन इन डाउनवर्ड, यानी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर जर्नी किया जाता तो जितना समय हमें उस लेंथ को कवर करने में लगता उतना ही समय हमको उसको डाउनवर्ड आने में भी लगता।
अब इसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलासिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसका बहुत नाइन्थ लेवल पर यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन यह है कि अपर क्लासेस में जैसे एलेवेंथ में है, हम ट्वेल्थ में जाते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज़ बढ़ जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलासिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलासिटी, तो यह इंस्टेंटेनियस वेलासिटी होता है कि व्हेन ए बॉडी इज द मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, द वेलासिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। अब इसका जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि वी आर कमिंग स्कूल, तो अब मान लो कि हम स्कूल चलते हैं, तो मान लो हम आठ बजे मान लो हम घर से निकलते हैं एंड 8:20 टू अराइव एट द स्कूल, और 8:20 पर हम स्कूल, ये होम हो गया और ये स्कूल हो गया। तो मान लो हम 8 बजे घर से निकलते हैं और 8:20 पर स्कूल पहुंचते हैं, इसका मतलब क्या, वी आर टाइम टेकन 20 मिनट रिच टू स्कूल, हमको स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लगा। तो अब जैसे इसमें कहा जाए कि व्हाट इज योर आवर लोकेशन और पोजीशन एट 8:10, कि हम 8:10 पर कहाँ थे, क्योंकि हम तो कंटिन्यू चल रहे थे, तो 8:10 पर कहाँ थे, मान लो कि 8:10 पर हम वी आर स्टैंडिंग ऑन द इन फ्रंट ऑफ द बस स्टॉप, मान लो कि हम बस स्टॉप के सामने थे, रोडवेज स्टेशन के पास थे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम होता है कि व्हेन ए बॉडी आर द मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, क्योंकि इसमें स्पीड कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट ए पार्टिकुलर टाइम, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पर व्हाट इज योर पोजीशन, कि उस क्षण उस समय हम कहाँ पे थे, तो उस क्षण और या उस समय पर हमारा जो लोकेशन था, दिस इज द डिफाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलासिटी, आर एट दिस टाइम व्हाट इज योर वेलासिटी, कि 8:10 पर हम साइकिलिंग कर रहे थे तो हमारी साइकिल की स्पीड क्या थी, हम ऑन फुट पैदल थे तो हमारी पैदल की स्पीड क्या थी, या एट वी राइडिंग टू द बाइक, हम बाइक से अगर 8:10 पर, तो हमारा लोकेशन वहाँ पर जो था तो वहाँ पर हमारा स्पीड क्या था। तो इंस्टेंटेनियस वेलासिटी का मतलब होता है कि एट ए सर्टेन टाइम, किसी एक सर्टेन टाइम पर व्हाट इज योर वेलासिटी, कि उस समय जो मूविंग बॉडी है, जो वेरिएबल स्पीड डिफाइन कर रहा है, कभी स्पीड ज़्यादा है कभी कम है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर हमारा स्पीड क्या है, तो उस समय जैसे मान लो हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चल कभी दौड़ना शुरू कर दिए, तो मान लो हम जब दौड़ना शुरू किए तो हम कह सकते हैं कि एट दिस टाइम आवर स्पीड इज द, कि उस समय मेरा स्पीड क्या है, तो उस समय जो हमारा स्पीड है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो एट ए पार्टिकुलर टाइम द मूविंग बॉडी स्पीड इज डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। तो व्हेन ए बॉडी इज द मूविंग विथ ए वेरिएबल वेलासिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में सर्टेन है कि वह यूनिफॉर्म ही होगा, यानी कभी स्पीड बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन कितना घटा कितना बढ़ा समझ है, एक विशेष टाइम पर हमारा क्या स्पीड है। तो जैसे मान लो हम 8 बजे चले थे, 8:20 पहुंचे, तो अब हमसे कोई पूछ गया कि 8:10 पर हमारा स्पीड क्या था, तो एट ए पार्टिकुलर टाइम जो हमारा स्पीड काउंट होगा, दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलासिटी, उस समय। अब इससे हमारा स्पीड पहले कम था या ज़्यादा था, इससे हमारा कोई मीनिंग नहीं है, बस उस क्षण पर हमारा क्या स्पीड था, तो एट द मोमेंट एट द टाइम, उस समय पर जो हमारा मोमेंट का जो लोकेशन था, जो पोजीशन था, जो स्पीड था, वही हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलासिटी है। अब इसमें आ गया डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलासिटी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने कल भी बताया था कि स्पीड और वेलासिटी में कुछ कॉमन डिफरेंस हैं। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें और वेलासिटी की बात करें, तो स्पीड और वेलासिटी में अगर हम पहले बात करें, तो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, क्या स्केलर है, वेलासिटी क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा है स्पीड नेवर निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, लेकिन वेलासिटी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बी पॉसिबल निगेटिव, यह निगेटिव हो सकता है। स्पीड नेवर जीरो, यह कभी जीरो नहीं हो सकता,
बट वेलासिटी बिकम जीरो, तो स्केलर निगेटिव जीरो, ये हो गया। अब जो कि स्पीड ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमने निगेटिव बोल दिया है, पहले हो गया। तो अब ये कंडीशंस हैं, ये हमारे कॉमन डिफरेंस है। तो जैसा कि चार्ट में आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक में आपके छह डिफरेंस दिए हुए हैं कि स्पीड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव आर जीरो, एवरेज स्पीड ऑफ एमंग बॉडी कैन नेवर जीरो, इसका एवरेज कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेलासिटी का एवरेज जीरो हो सकता है। तो दैट मीन्स ए कॉमन डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलासिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस सम अदर पॉइंट्स। थैंक यू।